तहरीक इंसाफ का वजीर आजम पक्का। मुल्क की दो बड़ी जमातों ने हुकूमत साजी से हाथ खड़े कर दिए। लीगी रहनुमा उसाद रफीक और जावेद लतीफ के बाद पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने भी जवाब दे दिया। अक्सरियत न मिलने पर जहां नून लीग हुकूमत साजी के लिए तजुब का शिकार है, वहीं उनके रहनुमा भी हुकूमत लेने के मुखालिफ हैं। ख्वाजा साद रफीक ने तो साफ साफ कहा हुकूमत न ली जाए और पीपल्स पार्टी और पीटीआई को हुक्मरानी करने का मौका दे दिया जाए। एक और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने भी कुछ ऐसे ही ख्याल का इजहार किया और दुआ की उनकी क्यादत हुकूमत न बनाने का फैसला कर ले। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी का जवाब भी आ गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह ने वजारत उज़्मा और हुक्मरानी को कांटों का ताज करार दे दिया। कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हुकूमत आसान नहीं है और पार्टी को राय है कि पीटीआई वालों को ही हुकूमत बनाने दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नासिर शाह ने कहा कि मुल्क जिन मसाइल का शिकार है उसको सिर्फ सीनियर पार्टीज ही मुश्किलात से निकाल सकती हैं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ शोर कर रही है तो फिर उसको ही हुकूमत बनाने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आए भी तो मुस्लिम लीग नून से कोई ओहदा नहीं लेंगे। सदर का ओहदा लेना पीपल्स पार्टी का हक है क्योंकि चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है और नंबर्स भी पूरे हैं।